नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ पाक विधि में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कच्चे आलू का बहुत ही स्वादिष्ट और नया नाश्ता। तो चलिए फिर बनाना शुरू करती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो बड़े साइज के आलू। आलू को पहले बढ़िया से छील लेंगे। अब इसको कद्दूकस करेंगे, तो मैं इसको मीडियम वाला पर कद्दूकस कर रही हूँ। तो दोनों ही आलू को बढ़िया से कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए, हमने आलू कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब इसमें तुरंत ही आटा डाल देते हैं, नहीं तो आलू काले पड़ जाएंगे। तो मैं इसमें एक कटोरी गेहूं का आटा डाल रही हूँ। अब इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो अब इसमें डाल देंगे दो बड़ा चम्मच मैदा। आप इसमें से किसी एक चीज़ से भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 5-6 हरी मिर्च को इस तरह से छोटा छोटा बारीक कट करके। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच जमैन और मंगरेल, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच नमक यानी स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डाल देंगे दो बड़ा चम्मच रिफाइन, आप इसके जगह घी भी डाल सकते हैं। अब इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका नॉर्मल डो तैयार कर लेंगे। तो आटा को बढ़िया से गूंथेंगे। तो हमने आटा गूंथ लिए हैं। अब इसको ढककर 5 मिनट के लिए साइड पर रखेंगे। अब इसका ढक्कन हटाएंगे और इसको वापस एक दो बार बढ़िया से मसल लेंगे। अब इससे थोड़ा सा आटा इस तरह से तोड़ेंगे और इसका लोहिया बनाएंगे। तो इसका लोहिया हाथ पर ही बना लेंगे। अब चकला पर थोड़ा सा आटा इस तरह से छिड़क देंगे और इसको बेलेंगे। तो पहले इसको नॉर्मल पूरी की तरह बेल लेना है, बिल्कुल इस तरह से। अब इस पर थोड़ा सा रिफाइन लगाएंगे, आप इसके जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। तो बढ़िया से लगा देंगे। अब इसको मोड़ेंगे। तो पहले इसको यहाँ से मोड़ेंगे बीच से, अब इसको फिर यहाँ से मोड़ देंगे और इसको तलहटी से इस तरह से दबा देंगे। अब इसको लंबा बेलेंगे। तो सभी तरफ से इसको बढ़िया से बेलेंगे। तो हमने पराठा बेल लिए हैं। आप अपने हिसाब से पराठा छोटा या बड़ा बेल सकते हैं। अब इसको एक प्लेट में रख लेंगे और बाकी के सारे पराठा इसी तरह से बेल करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने सभी पराठा बेल करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। आप इसके जगह तवा का भी यूज कर सकते हैं। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल को बढ़िया से गर्म होने देंगे। अब इसमें पराठा डाल देंगे। डालने के 2 मिनट बाद इसको दूसरे साइड पलटाएंगे। इसे उलटाते पलटाते दोनों साइड से बढ़िया से सेकेंगे। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे। तो पराठा सभी तरफ से बढ़िया से सिक गया है। अब इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और दूसरा पराठा कढ़ाई में डाल देंगे। डालने के 2 मिनट बाद इसको दूसरे साइड पलटाएंगे और इसको उलटाते पलटाते दोनों साइड से बढ़िया से सेकेंगे। तो ये पराठा पक गया है। अब इसको निकाल लेंगे और बाकी का बचा हुआ पराठा इसी तरह से पका लेंगे। तो हमने सभी पराठा पका करके तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज का रेसिपी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मैं आप लोगों को एक पराठा तोड़ करके दिखाती हूँ। तो इसको इस तरह से मोड़ने के बाद देखिए, ये आसानी से टूट गया है। तो मैं इसको प्याज और अचार की चटनी के साथ खा रही हूँ। आप हमें कमेंट करके बताना आप इसको किस चीज़ के साथ खाना पसंद करेंगे।